उदित जी जवाब देना चाहते हैं। उदित जी जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए। अरे भाई, मैं आपके हिंदू धर्म की मजबूती के लिए कह रहा हूँ, और मोदी जी और तीर्थ स्थल स्थापित करें और जाएं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? मैं तो हिंदू धर्म की मजम्मत कर रहा हूँ, उसके उसके अंदर उसको मजबूती देने की बात कह रहा हूँ कि क्यों लोग भाग रहे हैं। भाई ये आरएसएस की चिंता अंदर आई, क्या मेरी चिंता है? अरे नहीं, आरएसएस की चिंता मेरी चिंता है, आरएसएस की चिंता को ही तो सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भाई, कि धर्मांतर हो रहा, धर्मांतर हो रहा, क्यों धर्मांतर हो रहा, हिंदू धर्म क्यों कमजोर रहा, क्यों भाग रहे हैं लोग। मैं आपके ही आपकी बात कर रहा हूँ, आपको मजबूत करने की बात कर रहा हूँ, उल्टा तो भी आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं आप लोग। आपकी बात बोले तो भी आरोप होता है, हिंदू धर्म की मजबूती के लिए बोले तो भी आरोप, और मोदी जी तीर्थ पर और तीर्थों का दर्शन करें बनवाएं तो भी आपको आपत्ति होती। मैं कहां विरोध कर रहा हूं भाई, तो क्या करें? मोदी जी से क्या चाहते हैं उदित राज जी? आप क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि क्या आप मंशा क्या है? इसके बाद मैं आ रही हूं सबके पास आ रही हूं। उदित जी क्या चाह रहे हैं आप प्रधानमंत्री से? अरे मेरा मंशा क्या है? मैंने हम एक नागरिक हैं, हम बोल सकते हैं अंजना जी, सब लोग बोल सकते हैं। यहाँ सारे बीजेपी वाले पूछते हैं कि अरे भैया ऐसा है कि नेहरू परिवार और गांधी परिवार के अलावा, गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल होता, उनको लाइसेंस है बोलने का, और हम लोग जरा सा न बोले, ये कोई गुलाम है क्या? गुलाम देश है, हम लोग गुलाम है, हम न बोल सके, हम अपनी ओपिनियन न व्यक्त करें, वो अपनी हमारे ओपिनियन व्यक्त करते रहते हैं। यहाँ वहाँ की बात मत करो, बताइए ना पीएम से क्या चाहते हैं आप? पीएम से क्या चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि आप आरएसएस की मदद करना चाहते हैं। अरे भैया आपको हिंदू धर्म की चिंता है, क्या चाहते हैं? हिंदू धर्म के कुरूतियों को, हिंदू धर्म के कुरूतियों को दूर करें। हर गांव में 12 अगर जातियां हैं तो 12 मोहल्ले हैं, 12 राष्ट्र हैं, 12 देश इनको मान लीजिए, छुआछूत, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना नहीं, खाना पीना नहीं, ये बड़ी समस्या है देश की। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आपकी पार्टी में कोई नहीं सुनता है क्या आपकी? उदित जी बड़ी बात नहीं, समाज सुधार बहुत बड़ी चीज होती है। उदित जी समाज सुधार बहुत बड़ी, पानी मंगवा लीजिए सर, बार बार खांसी हो रही है। देश में बड़ा तेजी से हो रहा, मैं बता दे रहा हूँ, कानून नहीं रोक पाएगा, कानून नहीं रोक पाएगा, यही तरीका है जो मैं कह रहा हूँ। आपकी पार्टी में कोई सुनता नहीं है क्या आपकी? मैं पार्टी से क्या लेना देना है भाई? अरे अपनी पार्टी में भी तो कहिए, वो भी चिंता करें धर्मांतरण का सर। आपके अभी अरे वो भी तो धर्मांतरण की चिंता करें। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हंस रहे हैं, उनको भी बताइए ना कि वो भी चिंता करें धर्मांतरण रोके, जातिवाद रोके। सर पानी मंगा लीजिए। कांग्रेस ही है जिसकी वजह से धर्मांतरण रुका है। अच्छा कांग्रेस ही है जिसकी वजह से धर्मांतरण रुका, चूंकि कांग्रेस ने सभी वर्गो के लिए थोड़ा बहुत सबको भागीदारी दिया है, और जिस दिन भागीदारी कम हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, दलित पिछड़े बिल्कुल फेंका दिए जाएंगे, आप तब देखना क्या होगा इस देश में आने वाले 25 साल 50 साल का सोच के चलिए। आज ये आप 2-4 साल का मत सोच करिए, मैं देख रहा हूँ कि भाव क्या क्या फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, क्या अंदर है। मैं खुद चिंतित हुआ इस बात का, भले हमारे दोस्त प्रेमशंकर जी, प्रेम शुक्ला जी ना चिंतित हो, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि अंदर अंदर क्या हो रहा। ये अम्बेडकर भवन में धर्मांतरण हुआ, लखनऊ में हुआ, गुजरात में हुआ, हजारों हजार लाखों लाख लोग कर रहे हैं, और लखनऊ में जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। धर्मांतरण किया क्या है? मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे आप, एक जवाब दीजिए फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं। अंजना जी, उदित जी, अंजना जी मेरी चिंता, अब 3-4 जगह हुआ, लखनऊ में 50,000 के लोग धर्मांतरण हुआ, ये चिंता आरएसएस की नहीं होती, आपकी नहीं होती, प्रेम शुक्ला जी की नहीं होती, सारे चिंता कर ले, बस कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता ना करे, है ना? की चिंता है आरएसएस। मिस्टर उदित राज आप कह रहे हैं कि आपकी चिंता क्यों नहीं है, मैं समाज की चिंता करूं तो भी कांग्रेस को भी सिखाइए ना, कोई सुन नहीं रहा है क्या पार्टी में आपकी? अरे भैया कहां जाएं हम लोग, पार्टी से क्यों लिंक कर रहे हैं आप? पार्टी आप बीजेपी को सुझा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं सुझाते हैं? कांग्रेस पार्टी की वजह से ही देश बना हुआ है। क्या रोका, अंजना क्या जी किया याद करना, हम लोग हो सकता है कि उस समय बुढ़ापा हो जाए, या अंजना जी देखिए उस दिन बुढ़ापा हो जाए
या कुछ भी हो जाए, जब जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन है अंदर, अब जागृत हो गए हैं लोग, किस तरह से धन का बंटवारा, ताकत का बंटवारा हो रहा, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है क्या? जो इस बार मैसिव धर्मांतरण हुआ है इस दशहरा के अंदर, ये क्या दिखता है? कांग्रेस होती थी तो सबको नौकरी में, कोटा में, परमिट में, हर जगह एक प्रभुत्व, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी को मिलता था, तो डिसकंटेंटमेंट नहीं था। आप केवल कितने दिनों तक आप भावना से बांध सकते हैं?